लगातार बीजेपी की भोपाल से उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर को लेकर सवाल उठ रहे थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं कभी प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं करूंगा। उसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी से बाहर होंगी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नोटिस भी जारी किया है और कारण बताओ नोटिस है और 10 दिन में जवाब पार्टी की ओर से मांगा गया है कि 10 दिन की मोहलत आपको दी गई है, 10 दिन में आपको जवाब देना है। आपको बता दें कि यहां पर यह कारण बताओ नोटिस उस बात को लेकर है, उस बयान को लेकर है जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे जो हत्यारा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, उसको लेकर कहा था कि नाथूराम गोडसे एक देशभक्त है। हालांकि पार्टी एकदम साइडलाइन हो गई थी और उसने कहा था कि ये उनका निजी बयान है, हम इस बयान की निंदा करते हैं। और साथ ही साथ कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी की तरफ से और अमित शाह की ओर से की गई तो उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ऐसे जितने भी तमाम नेता हैं जो इस तरीके का बयान देते हैं, अनुशासन जो कमेटी है वो उनसे जरूर जवाब तलब करेगी। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या समझा जाए जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक इस तरीके के बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से आ रहे हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि पार्टी भले ही माफ कर दे, मैं माफ नहीं करूंगा और उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, क्या माना जाए कि चुनाव के बाद कुछ बदला नजर आ सकता है इस सीट पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सतना की पार्टी ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है जी। और प्रधानमंत्री का बयान भी बता रहा है कि अपने आप में एक तरफ जो है मोदी सरकार प्रधान महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक बड़ा कार्य है, जबकि दूसरी तरफ इस तरह के विचार जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है और वो एक तरह से हो गई है। अब विपक्ष जो है उस मामले को लेकर निशाना साध रहा है और आज सुबह ही जो है राहुल गांधी की तरफ से जो उनकी जो पार्टी का सिंबल है, जो पार्टी का ट्विटर पे फोटो है, वो भी चेंज करके आज वो उन्होंने महात्मा गांधी की फोटो लगा दी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस अब इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और एक बात कुछ जब 19 तारीख यानी कल जो है पोल होना है सातवें चरण का और आखिर चरण का, तो कहीं ना कहीं इससे मतदाताओं से लेकर एक पूरे देश में एक गलत मैसेज तो गया ही है पार्टी के प्रति और एक तरह से ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये पूरी तरह से गलत है और वो इस विचार जी है। शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है।